Hello to everyone, I'm Ashish and I'm a JEE aspirant, LMAO. So jokes apart, this video is about me, my JEE preparation and my unpleasantly pleasant life. So ये video होने वाली है मेरी 2 साल की JEE preparation के बारे में and ये मेरी first story telling type video है. तो कुछ भी गलती हो तो माफ कर देना और मेरे comments में बताना जरूर कि video कैसी लगी. Cause I'm a complete noob in video editing. So मैंने मेरी JEE preparation को 4 chapters में divide किया है to make it a bit more interesting for you guys. So now let's begin with the story. So chapter 1 of my JEE preparation includes my 10th standard and 11th standard. So 16th May 2019. My 10th board results day and हनुमान चालीसा पढ़ते हुए CBSE की वेबसाइट पर अपने डिटेल्स पुट करते वक्त जितनी नर्वसनेस हो रही थी उतनी तो बोर्ड एग्जाम के टाइम नहीं हुई थी. So results came and to my surprise, yes surprise, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि I will get 95.4%. रिजल्ट आने के बाद कुछ ज्यादा ही खुश हो चुका था मैं आई गेस, और इस खुशी में मैंने खुशी अपने आगे के 2 मंथ्स चिल करते हुए निकाल दिए. बट नाउ कम्स JEE इन जुलाई. हमेशा से इंजीनियर बनना चाहता था क्योंकि बोर्डिंग में इंटरेस्ट 10 स्टैंडर्ड से ही थी और उसके लिए चाहिए एक अच्छा कॉलेज और कॉलेज के लिए चाहिए गुड परसेंटाइल इन JEE. ये मुझे पता चला 10th में. यस, डोंट लाफ एट मी प्लीज. सो एनीवेज पेरेंट्स ने एक JEE कोचिंग सेंटर में एडमिशन करवा दिया एंड आई स्टार्टेड विद माय JEE प्रिपरेशन फाइनली. स्टार्टिंग में आई वाज एंजॉयिंग इट बट एज डेज पास माय एंजॉयमेंट स्लोली टर्न टू यू नो व्हाट इट टर्न्स टू. वीकडेज पर स्कूल और वीकेंड्स पर कोचिंग. मेरी ऑलमोस्ट 90% 11th की स्टूडेंट लाइफ सिर्फ यही करते हुए कटी. बट स्टिल द ट्रांजिशन फ्रॉम इजी 10th स्टैंडर्ड टू 11th स्टैंडर्ड वाज टू डिफिकल्ट फॉर मी. पूरे दिन स्कूल और कोचिंग करके घर पे आने के बाद ना तो कभी DPPs करने का मन होता था और ना ही चिल करने का. दिन भर गुजर रहे थे बट आई रियलाइज कि आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग बीइंग टॉट इन कोचिंग. द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट फॉर मी वाज पीयर प्रेशर. जो चीजें मुझे नहीं समझ आती थी वो बाकी को आ जाती थी एंड दैट मेड मी लूज माय सेल्फ कॉन्फिडेंस. और टीचर से ज्यादातर डाउट्स मैं नहीं पूछ पाता था. बट एक दिन YouTube पर स्क्रॉल करते वक्त मुझे एक चैनल के बारे में पता चला जो JEE की प्रिपरेशन करवा रहे थे. मैंने कुछ क्लासेस करी एंड सरप्राइजिंगली आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स जो मैं अपनी कोचिंग में नहीं समझ पाता था. सो आई स्टार्टेड नेग्लेक्टिंग माय कोचिंग एंड फोकस्ड ऑन ऑनलाइन क्लासेस मोर. किसी तरह मैनेज करके मैंने अपना फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया कोचिंग में एंड मुझे मिले 63 आउट ऑफ 360. यस, 63 आउट ऑफ 360. अपने आप से इतना डिसअपॉइंटेड मैं कभी नहीं हुआ था. आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक मैं ये नहीं कर पाऊंगा बट स्टिल ऑनलाइन क्लासेस करके मैनेज करने की कोशिश की. सेकंड मॉक टेस्ट आई गॉट 103 आउट ऑफ 360 and all thanks to the online classes and those late night study sessions. इन छोटी-छोटी चीजों से confidence gain करते हुए किसी तरह मैंने 11th complete किया. बट 11th के एंड में अपने स्कूल को काफी तरह से नेग्लेक्ट करने की वजह से स्कूल में आई वाज barely able to get 75 percentile और JEE के टर्म्स ऑफ बैकलॉग were the only thing I got at the end of my 11th standard. JEE की कोचिंग भी किसी वजह से 11th के एंड में बंद हो गई और मैं करने लगा खुद से प्रिपरेशन. सो इस तरह एंड होती है फर्स्ट चैप्टर ऑफ माय JEE प्रिपरेशन. Chapter 2 of my JEE preparation includes my 12th standard and also the pandemic. 12th की पढ़ाई स्टार्ट करती थी ऑनलाइन क्लासेस की हेल्प से. JEE के लिए पूरी तरह से YouTube पर डिपेंडेंट होने के कारण डिस्ट्रैक्शंस भी काफी तरह से बढ़ चुके थे और उसी वक्त स्टार्ट हुआ COVID-19 पैंडेमिक. घर में बंद होने को मजबूर, सो किसी नई कोचिंग में एडमिशन भी नहीं लिया क्योंकि वो भी ऑनलाइन ही पढ़ा रहे थे और स्कूल्स भी ऑनलाइन क्लासेस पर शिफ्ट हो चुके थे. सुबह स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस कंप्लीट कर JEE की क्लासेस लगाता था शाम को 8 बजे तक. फिर किसी तरह टाइम निकालकर क्वेश्चंस बनाता था. बट ऑल ऑफ दिस स्लोली बिकेम टू स्ट्रेसफुल फॉर मी. 12th की स्टार्टिंग वाज ऑल राइट बट 12th मिड तक आते आते मैं पूरी तरह एग्जॉस्टेड हो चुका था. कोई रीजन नहीं बट बुक या कॉपी खोलने का भी मन नहीं होता था. एवरीवन वाज बिजी ब्लेमिंग पैंडेमिक फॉर देयर रूइंड एकेडमिक सेशन बट इंस्टेड मैं खुद को ब्लेम कर रहा था क्योंकि बिकॉज ऑफ पैंडेमिक इट वाज ऑब्वियस कि सबको ज्यादा टाइम मिल रहा था पढ़ने को. बट मोस्ट ऑफ अस वी आर वेस्टिंग इट इन सम अदर थिंग्स. यस, लेट्स बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्फ, वी आर वेस्टिंग इट इन सम अदर थिंग्स. फॉर मी इट वाज कोडिंग. कोडिंग में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट होने के कारण आई यूज्ड टू वेस्ट समटाइम्स अ होल डे इन कोडिंग और फिर रात को रिग्रेट होता था. प्रोक्रेस्टिनेशन और रिग्रेट का एक एंडलेस लूप बना लिया था जिससे बाहर निकलना इम्पॉसिबल लग रहा था. बट इन December I realized I need to do something क्योंकि JEE जनवरी में होना था actually. So I started revision and mock test. Mock test में 100 barely touch कर पाता था and इन सब में मैं और भी depressed होता गया. 2021 starts, JEE postponed हो गए और 1 month मिल गया waste करने को. पढ़ने को, sorry. But still I continue to revise the subjects and give mock test. And इस तरह से end होती है second chapter of my JEE preparation. Chapter 3. So Chapter 3 सबने गेस कर ही लिया होगा. I guess it consists of my JEE attempts. 26 February was my first JEE attempt. सुबह घर से टीका करके निकला एग्जाम देने. नर्वस था ऑफ कोर्स, काफी मिस्टेक्स की एग्जाम में और ज्यादा अटेम्प्ट्स के चक्कर में नेगेटिव्स भी गए बहुत सारे. Results आए and I got 96 out of 300 and 92 percentile. I was surely expecting more, so काफी disappointment हुई. लेकिन अभी और 3 attempts बाकी हैं ये सोचकर फिर से तैयारी करने लगा. Second attempt once again 92 percentile. I knew कि third attempt में कुछ भी करके मुझे 97 percentile लाने होंगे because I needed to prepare for JEE Advanced 2. Third attempt दिया, exam went quite good. I got 132 marks but cutoff went too high and once again I only got 92 percentile. After getting 92 in all the attempts, the only thing I was feeling that I was not able to improve a single bit. 4th attempt postponed हो गए. So I saw a new ray of hope and सोचने लगा कि now I can improve my JEE mains results. 1 month 97 के सपने देखकर I again started preparing. 2 months postponed होने के कारण काफी time मिल गया but by then I was totally exhausted. बुक या फिर कॉपी खोलने तक का मन ना होने पर भी पढ़ने के लिए फोर्स था क्योंकि JEE मेंस जो निकालना है. This 2 months comprised of procrastination, binging, anime studies, revisions, lack of socialization and much more. Finally comes the day. 31st August 2021. My last attempt of JEE means I knew I had to do this time. एक बार फिर एग्जाम देने गया. एग्जाम देके आने के बाद ना तो एनालिसिस देखा पेपर का और ना ही आंसर की चेक किया. सब एडवांस की प्रिपरेशन में ऑलरेडी लग चुके थे but I didn't even want to study. 2 वीक्स ऐसे ही निकाल दिए और रिजल्ट्स आ गए. सरप्राइजिंगली आई गॉट 95.33% दिस टाइम एंड 42 के सीआरएल रैंक. पता है कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा बट स्टिल आई फाइनली इम्प्रूव एंड उसकी वजह से आई वाज समवट हैप्पी एंड नाउ अबाउट माय जेईई एडवांस्ड. इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में बात करते हैं. सो थर्ड चैप्टर एंड्स हियर एंड लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल चैप्टर ऑफ माय जेईई प्रिपरेशन. So chapter 4, the final chapter of my JEE preparation. 95% ऐसे कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा ये तो पता ही था. So I started thinking about taking a drop because और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था. पता था कि डिसाइड करना होगा ड्रॉप लेना है या नहीं. आई नो अगर ड्रॉप लेना है तो ये सारी चीजें ये सारी मेहनत मुझे 4-5 months और करनी पड़ेंगी बट ये भी पता था कि इट वुड बी वर्थ इट इफ आई कैन गेट गुड रिजल्ट्स नेक्स्ट ईयर. सो पेरेंट्स से बात करने लगा. दे सेड मी टू डू व्हाट आई वांटेड टू डू. सो आई डिसाइडेड आई वुड टेक अ ड्रॉप. 22 सितंबर से ड्रॉपर का कोर्स स्टार्ट होने वाला था अकेडमी पर. सो तब तक जेईई एडवांस की कुछ पीवाई की उसकी और मॉक टेस्ट भी दिए बट आई नो जेईई एडवांस निकालना वाज नो मोर पॉसिबल दिस ईयर क्योंकि आई हैड ऑलरेडी वेस्टेड माय 15 डेज फ्रॉम 1 month थिंकिंग अबाउट माय जेईई मेंस रिजल्ट एंड देन ड्रॉप का डिसीजन. I started with my studies for drop year from 22 September as planned and this time with full consistency. And you would be happy to know अभी तक एक भी दिन मैंने break नहीं लिया. I have been studying consistently 7 to 8 hours daily and it means a lot to me. And I'm still doing it. But I thought of making this video to share my journey with other people out there. I know मेरी story inspiring नहीं है. ये किसी ऐसे बच्चे की स्टोरी नहीं है जिसने जेईई में 99.9% लाके क्रैक किया हो बट ये स्टोरी मैं इसलिए बताना चाहता था क्योंकि I need to know my mistakes and improve them. I'm sure इस वीडियो को देख रहे काफी लोग भी JEE 22 के लिए ड्रॉप ले रहे होंगे एंड टू एवरीवन हु इज टेकिंग अ ड्रॉप मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि द फैक्ट दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर JEE मैटर्स द मोस्ट. यू प्रिपेयर्ड फॉर वन ऑफ द वर्ल्ड्स टफेस्ट एग्जाम्स. सो कुछ ना कुछ तो जरूर सीखा होगा इस प्रिपरेशन में. कमेंट करके बताना इफ यू आर ऑल्सो टेकिंग अ ड्रॉप एंड व्हाट आर द थिंग्स यू लर्न फ्रॉम JEE प्रिपरेशन. मैंने बहुत सारे नए वीडियोस प्लान करके रखे हैं जैसे कि सम स्टडी ब्लॉग्स एंड सम स्ट्रेटजी एंड डिस्कशन सेशन. सो अगर तुम भी ड्रॉप ले रहे हो तो लेट्स फॉर्म अ कम्युनिटी एंड हेल्प ईच अदर. और इस वीडियो में मैंने फेस रिवील नहीं किया एंड आगे आने वाली वीडियो में मैं नहीं करने वाला हूँ फेस रिवील. इट्स अ प्रॉमिस टू माय सेल्फ आई विल रिवील माय फेस ओनली इफ आई कैन क्रैक जेईई विद 99.99 परसेंटाइल नेक्स्ट ईयर. सो विश मी लक. बीइंग अ ड्रॉपर मे नॉट साउंड गुड बट बिलीव मी इट विल पे ऑफ बिकॉज आई बिलीव द सेम. सो इस वीडियो को एंड तक देखा हो तो दिल से थैंक्स मेरी पूरी स्टोरी सुनने के लिए. इन कुछ महीनों में मैं जो भी करने वाला हूँ आई प्लान टू शेयर इट विद अदर ड्रॉपर्स एंड अदर पीपल आउट देयर सो वी कैन कीप ट्रैक ऑफ आवर प्रोडक्टिविटी. सो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और गेट रेडी फॉर अ न्यू जर्नी. Good luck to everyone. Chapter 4 of my JEE preparation is still being continued. So till it ends, to be continued. Thanks for watching.